वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। औज़ु बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आसिफ। आप देख रहे हैं फूड मलक स्टाइल। तो आज जो बनाने जा रहे हैं हम बादाम वाला दूध, जिसे मिल्क बादाम मिल्क भी कर सकते हैं आप, बहुत ज़बरदस्त है। आधा किलो दूध है मेरे पास, फुल क्रीम दूध है मेरे पास, कच्चा पक्का अभी अभी बॉयल नहीं किया इसको। आधा किलो में 2 चम्मच खाने के भर के शक्कर जाएगी, चीनी, और ये बादाम मैंने कुछ गार्निशिंग के लिए रखे हैं, कस्टर्ड पाउडर है 1 चम्मच भर के, वनीला, और ये बादाम है मैंने इसके छिलका उतार लिया था, ठीक है, ज़बरदस्त इसको मैंने चॉप कर लिया है। इस बादाम को हम इसमें शामिल करेंगे, तो दिखाते हैं आपको कैसे बनेगी रेसिपी, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देख लेंगे नाज़रीन, मैंने इसके नीचे फ्लेम ऑन कर दिया है, दूध हमारे चूल्हे पर चढ़ा दिया है, इसको हल्का सा गर्म होने देंगे, जैसे गर्म होगा तो बाकी चीज़ें इसमें शामिल कर रहे हैं। तो देखें ये दूध को हमारे अभी, ये देखें ना गर्म हो चुका है, और हल्का हल्का चम्मच की मदद से चलाएंगे इसको, और इसमें जो चीज़ें हैं इस्तेमाल शामिल करेंगे वन बाई वन। सबसे पहले ये बादाम है, इनका मैंने छिलका उतार के फाइन चॉप कर लिया था छुरी की मदद से, आप भी कर लीजिए, आपने ग्राइंड करना है तो आपकी मर्जी है। ये शामिल कर दिया, और ये शक्कर है ये शामिल कर देंगे, इसको थोड़ा चलाएंगे हाथ की मदद से, इसको 2 से 3 मिनट आपने पकाना है, शक्कर भी हमारी मेल्ट हो जाएगी और ये बादाम भी ज़बरदस्त के अंदर फ्लेवर दे देगा, और उसके बाद हम डाल लेंगे इसमें कस्टर्ड, और थोड़ा सा दूध में ठंडा रखा था 4 से 5 टीस्पून, वो मैं भी दिखाऊंगा क्यों रखा था मैंने। तो देखिए जी, ये मेरे पास वनीला कस्टर्ड पाउडर है 1 चम्मच भर के, आधा किलो में आधा 1 चम्मच जाएगा, अगर किलो बना रहे हैं आप तो उसमें ये जाएगा 2 चम्मच। ठंडा दूध मैंने बचा लिया था थोड़ा सा, ठीक है, इसमें शामिल करेंगे। ये देखें इस तरह से इसको अच्छे से चलाना है आपने और मिक्स कर लेना है। ये देखें ना हल्का सा कलर आएगा, ये वनीला कस्टर्ड पाउडर है, ये आप डालना चाहें तो मज़ा ज़्यादा बढ़ेगा आपका, ज़बरदस्त बनेगा। अगर आपने नहीं इस्तेमाल करना तो स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। देखें हल्का सा कलर देगा दूध को, ये क्रीमी से कलर आएगा, ये देखें टेस्ट नहीं आएगा ये उसका कस्टर्ड का, इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा, इसको ट्राई कीजिएगा ज़रूर। ये देखिए बस, ये ठंडा दूध इसलिए रखा था मैंने थोड़ा सा इसको मेल्ट करने के लिए, इसमें लम्स नहीं बाकी रहेंगे, ठीक, अब ये तैयार है। तो देखें जी, ये तकरीबन 2 से 3 मिनट पक गया है, बादाम की और दूध की माशाल्लाह अच्छी खुशबू आने की है, और चीनी भी मेल्ट हो गई है, ज़बरदस्त हो चुका है ये। अब इसमें शामिल करेंगे हम ये जो हमने कस्टर्ड दूध में मिक्स किया है, उसको हल्के से आराम से डालेंगे, और आँच बिल्कुल स्लो रखनी है नीचे, ये याद रखिएगा। ये डाल दिया, इसको चम्मच की मदद से चला दीजिए आस्ते आस्ते, ये क्या करेगा आपके दूध को थोड़ा गाढ़ापन देगा, क्रीमी क्रीमी से आएगा, और वनीला जो हल्का था येलो येलो कलर आ रहा है इसके अंदर, ये देखें ये ज़बरदस्त, ये देखें थिकनेस आ गई है ना, कितना ज़बरदस्त हो गया है, यही कमाल है। और ये देखिए ये ज़बरदस्त तैयार हो गया हमारा। अगर आपने ज़्यादा इसको क्रीमी नहीं करना, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, तो आप ये इस कस्टर्ड पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं, मसला नहीं कोई भी। ये देखें ये ज़बरदस्त गाढ़ापन आ चुका है, ये देखें ये बादाम का दूध हमारा, ये हमारा अपना तीखा ही है, हम ऐसे बनाते हैं इसको, ठीक है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फूड मलक स्टाइल को तो ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, और हमारी वीडियो को पूरा देखा करके लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी किया जाए। तो ये देखें हमारा भी जो बादाम का दूध था वो बनकर तैयार है, ये देखें ज़बरदस्त, ये देखें इसको ज़्यादा नहीं पकाना आपने, बस तो देखिए जी हमारा अभी क्रीमी सा ये वो बादाम का दूध है, ये देखें कितना थिक हो गया, ज़बरदस्त है, ये देखें ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गया है। इसमें मैं बर्फ़ इस्तेमाल नहीं कर रहा,
आपने क्या करना है, दूध को एज इट इज़ ऐसे ही बनाकर आपने फ्रिज में रख देना है 10 से 15 मिनट या आधा घंटा रख दें। रखने के बाद आपने गिलास में डाल के ऊपर से बादाम के साथ गार्निशिंग करके आप उसको सर्व करें, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। इसको बर्फ़ डालने की जरूरत नहीं है, बर्फ़ डालेंगे तो क्या होगा, ये पतला हो जाएगा, इसका फ़ायदा नहीं रहेगा, समझ रहे मेरी बात। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। तो चलें जी, अब इसमें डालते हैं गिलास के अंदर और दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखें हाजरीन, अभी हम गिलास में डालेंगे इसको। ये देखें, ये बादाम जा रहे हैं ना इसके अंदर, ये देखें क्या ही बात है, ज़बरदस्त। ये एक गिलास हो गया, के साथ गार्निशिंग करेंगे। ये मैंने बादाम पहले चॉप कर लिए थे, देखें ज़बरदस्त हैं। इसको ऊपर ऊपर रख देंगे इसके, ये देखें हाथ की मदद से आराम से, ये देखें देख रहे हैं इसी तरह से माशाल्लाह, ये देखें ज़बरदस्त। और देखें ये दूध का थिकनेस और गाढ़ापन कितना है, ये बादाम अंदर ड्रॉप नहीं हो रहे, देख रहे हैं ज़बरदस्त बन के तैयार हो गए। ये रमज़ान के लिए स्पेशल रेसिपी है, इसको आप इफ्तारी में यूज़ करें, ताकतवर है और ज़बरदस्त है। और ये देखें लीजिए, हमारी रेसिपी बनकर तैयार है, बादाम का दूध बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत क्रीमी बनके जो तैयार हो चुका है, देखें माशाल्लाह। इसको इसी तरह बनाएं घर पे और दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें फूड मलक स्टाइल को, और शेयर भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें और वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। जो मैं ट्रिक्स एंड टिप बताए होते हैं उसको फॉलो किया करें। इसी के चाहिए मुझे इजाज़त, मैं मोहम्मद आसिफ, आप देख रहे थे फूड मलक स्टाइल। खुदा हाफिज़।